नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्निकल स्टार यूट्यूब चैनल में। मौसिक राजपूत। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊँ फ्रेंड्स, अगर आप वोडाफोन या आइडिया यूज़र हो तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आप सभी के सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूँ, अभी आप सभी ने VI का नाम सुना होगा, जो कि न्यू सिम ऑपरेटर आप जैसे समझ रहे हैं, वो आप सभी को जो आप अगर एयरटेल नहीं यहाँ पर वोडाफोन या आप आइडिया यूज़ करते थे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दूँ, अब वो दोनों कंपनियाँ एक हो गई हैं और यहाँ पर अब उन दोनों ने नाम रख लिया है, एक अलग ही नाम रख लिया है, जो कि मतलब दोनों के जो पहले नाम थे उनके ही फर्स्ट अक्षर लिए गए हैं VI। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब न्यू सिम आई है मार्केट में, बिल्कुल न्यू सिम आई है, पर सिर्फ नाम चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, जो कंपनी थी जिसकी कंपनी थी वही है। ओके, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा इंडिया में कौन कौन सी अभी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, तो यहाँ पर मैं ऑपरेटर यहाँ पर आप देख पाओगे, मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अब यहाँ पर विकिपीडिया पर मतलब गूगल पर आपको जियो, ओके, एयरटेल और VI और BSNL से भी ये चार सिम की कंपनियाँ दिख रही होंगी और कोई भी कंपनियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर पहले पाँच थी जो कि आप सभी को पता होगा, जो कि पॉपुलर थी, BSNL थी, जियो थी, एयरटेल थी और आइडिया थी और वोडाफोन थी। तो यहाँ पर अब इन दोनों पांच में से अब चार ही बची हैं, क्योंकि दो एक हो गई हैं, ठीक है, जो कि आप सभी को पहले भी हो गई थी, ये मतलब पहले ही हो चुकी थी, पर पहले पूरी तरीके से नहीं हुई थी। पहले एयरटेल का जो एयरटेल आइडिया और यहाँ पर आप सभी को पता होगा वोडाफोन के अलग अलग प्लान्स थे सभी, ठीक है, रिचार्जेस अलग थे और यहाँ पर आप सभी को पता होगा दोनों के अलग एप्लीकेशन थे, बहुत सारे जो एड्स करते थे यहाँ पर कंपनियाँ ऐड चलाती थी, वोडाफोन के अलग चलते थे, आइडिया के अलग चलते थे, तो दोनों मतलब कंपनियाँ मर्ज तो मतलब मिल तो गई थी एक साथ पहले ही। 31 यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूँ, 31 अगस्त यहाँ पर 2018 में ये दोनों कंपनियाँ एक हो गई थी, मतलब मिल गई थी, पर उसके बाद भी सब कुछ अलग चल रहा था, पर अब इन दोनों ने मतलब दोनों का नाम अलग ही रख दिया, अब यहाँ पर VI रख दिया इन्होंने, सिर्फ दो लेटर का नाम है, सॉरी दो शब्द का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर अब VI नाम है और के, और यहाँ पर 27% इनके यूज़र्स हैं दोनों के मिलाकर, और यहाँ पर जो जियो के यूज़र्स हैं वो 34% है, जो कि अकेले ही है, सिंगल है और सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद यहाँ पर एयरटेल बहुत सालों से कर रही है इसलिए उसके भी अभी बहुत सारे यूज़र्स हैं, यहाँ पर 28% हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, अब आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि मतलब हमें ये सिम चेंज करनी होगी, वो करना होगा, कुछ भी नहीं करना है आप सभी को, पोर्ट मोड नहीं करना है आप सभी को अपनी सिम को, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दोनों का जो प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे, दोनों का थोड़ा सस्ता हो सकता है कि आप सभी को जो पहले प्लान्स मिलते थे उनमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि दोनों कंपनियां अब मतलब थोड़ा दोनों के एक साथ में ही लेके आएंगी, वो दोनों डिस्कस करेंगे कि हम इतने में दे रहे हैं, तो मतलब दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है, जो भी वो प्लान्स लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्लान सस्ते मिल सकते हैं, हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए मैं प्लान्स भी बता दूंगा, कौन कौन से न्यू प्लान आए हैं VI के दोनों के मिलकर जो अभी आए हैं, पहले के जो प्लान्स थे वो अब कोई भी मतलब नहीं रहने वाले हैं, सभी न्यू अपडेट हो जाएंगे कुछ ही दिन बाद, अभी ये कल ही हुई है, तो यहाँ पर आप सभी को एक दो दिन बाद यहाँ पर सब कुछ न्यू देखने को मिल जाएगा, सभी एप्लीकेशन भी इनकी न्यू आने वाली है, जो कि आप सभी को पता होगा माय आइडिया थी, ठीक है, अब वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पर अब VI हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद करूँगा आप सभी की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।